डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। इंडिया बनाम NDA के महासमर का सेमीफाइनल माने जा रहे यूपी के घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का नतीजा सामने आ गया है। मौके की नजाकत को देखते हुए दल बदल करने में माहिर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को करारी हार का सामना करना पड़ा है। दारा सिंह 2022 में सपा के टिकट पर घोसी से विधायक बने थे, लेकिन कुछ समय बाद ही भाजपा में आ गए थे। कभी बसपा, कभी सपा और कभी भाजपा का दामन थामने वाले दारा सिंह ने इतनी जल्दी जल्दी पाला बदला है कि लोग यह समझ नहीं पाए कि दारा सिंह वर्तमान में किस राजनीतिक दल में हैं। आइए चर्चा करते हैं उनकी इस करारी हार के प्रमुख कारण पर। पहली योगी सरकार में दारा सिंह कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दारा सिंह चौहान सपा में चले गए। यह वह समय था जब यह बयार तेजी से बह रही थी कि इस बार यूपी में सपा की सरकार बनने जा रही है। दारा सिंह विधायक जरूर बन गए, लेकिन सरकार में बनने के कारण मंत्री नहीं, जिस कारण उनका तुरंत ही सपा से मोह भंग भी हो गया और वह फिर से भाजपा में आ गए। इसके कुछ दिन बाद ही उन्हें घोसी से टिकट दे दिया गया। वह अब 42,000 से ज्यादा वोट से हारे हैं। इस हार के कारणों में एक मुख्तार अंसारी फैक्टर भी माना जा रहा है। दरअसल यहाँ के मुस्लिम वोटरों पर मुख्तार का खासा प्रभाव है। मुख्तार मऊ से 5 बार विधायक रह चुके हैं। उनके पुत्र सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से मौजूदा विधायक हैं। माना जा रहा है कि इस प्रभाव के चलते मुस्लिम वोट एकमुश्त होकर भाजपा के खिलाफ जीतने वाले प्रत्याशी को पड़ा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी अब्बास अंसारी को बनाया था। अब्बास को करीब 81,000 वोट मिले थे। इस उपचुनाव में किसी भी दल द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी ने उतारे जाने के कारण भी मुस्लिम वोट बटा नहीं, यानी मुस्लिम वोट भी इंडिया गठबंधन के एक दल सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मिल गया। यह भी देखने में आया है कि रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद इस बार घोसी उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। अखिलेश यादव उपचुनाव में पूरी तरह सक्रिय रहे, जबकि योगी आदित्यनाथ ने अंतिम समय में मोर्चा संभाला। ऐसा संभवतः पहली बार हुआ जब विपक्ष भाजपा से पहले एक्टिव हो गया हो। दारा सिंह चौहान की हार का एक अन्य व और बड़ा कारण ठाकुर वोट ने मिलना भी माना जा रहा है। यूपी में खासतौर से समझा जाता है कि ठाकुर वोट पूरी तरह से भाजपा के साथ है, लेकिन यह बात भी सार्वजनिक है कि योगी आदित्यनाथ दारा सिंह चौहान व ओम प्रकाश राजभर दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा आम है कि योगी इन दोनों ही नेताओं की भाजपा में एंट्री नहीं चाहते थे। दोनों को ही सीधे ऊपर से लाया गया। इसके अलावा सपा, कांग्रेस व अन्य दलों द्वारा अपना कोई प्रत्याशी न उतारना व सपा प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना भी कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान की हार के कारण बने। करीब 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक दारा सिंह चौहान पर कई आपराधिक मुकदमे भी लंबित हैं। इनमें चोरी डकैती से जुड़े भी आरोप हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।